शायर का कथन है, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है, ये बड़ी मुश्किल से होती है। सेब बाणी विच फुरमान करदे ने ऐ मेरे मन, तू क्यों चिंता दा जीवन जीने, क्यों फिकर दी दुनिया विच रहने, तेरा ता गुरु पूरे, विश्वास ता करके देख के मेरा गुरु पूरे। जिते अगे मैं अरदास कर रहा, ओ मेरी अरदास सुनेगा, मेरे कारज रास करेगा, मेरे पड़ते कज लेगा। सत संगत विश्वास वालियां दे बेड़े पार हुंदे ने, जिन्हां दा भरोसा बच गया गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ते उन्हां दे अज भी दुख दूर हुंदे ने। आखो सतनाम श्री। इतिहास में जिक्र आउंदे, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, जिन्हां दे सेवक सन साईं दास, कहिंदे ने साईं दास ने नवां घर बनाया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज नूं बेनती कीती, महाराज कृपा करो, मेर करो, आके नवे घर विच चरण पाओ। मीरी पीरी दे मालक कहण लगे, साईं दास आवांगे जरूर, पर हाले समा नहीं होया। साईं दास ने मत्था टेकिया ते वापस चले गए। कुछ समा बीतिया, कहिंदे ने एक दिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने आप ही सुनिया, भेज दिता, साईं दास असी तेरे पिंड आ रहे हैं। जिस वेले साईं दास ने ये सुनिया कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज आ रहे ने, इहदी खुशी की हद ना रही। जिस वेले छेवें पातशाह दे आण दा समा होया, साईं दास अपने परिवार समेत सारे पिंड नूं नाल लै के गुरु साहिबां नूं लैण वास्ते तुर पिया। सात संगत, इस पिंड विच एक सिख रहिंदे जिहदा नाम इतिहास विच भाई कंठा लिखे है। कहिंदे ने इहनूं अखां तों दिसदा नहीं, इहने वी सुणिया कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज अज साडे पिंड आ रहे ने। मन विच बड़ा चाह आया, सोचदे कि मैं भी जा के गुरु साहिब दे दर्शन करा, पर पिंड दी सारी संगत उते गुरु साहिबां नूं लैण वास्ते चली गई सी। भाई कंठा घर इकला बैठे, पर हुण रिहा नहीं जांदा, अरदासां करदे दादा, बचपन तो अन्ना, मां बाप रहे नहीं, भैण भरा कोई है नहीं, किती बाह फड़ के तुहाडे दर्शन करन आवां। पर ए सतगुरु, मैं लोकां कोलों सुने जिहड़े प्यार नाल तुहाडे अगे अरदास करदे ने, तुसी आप आके उहनां नूं मिलदे हो, ते जे मेरा प्यार सच्चा है ते तुसी मैनूं भी आप ही आके मिलोगे। आखो सतनाम श्री। भाई कंठा बैठा अरदास विच जुड़ गया, उधर सारियां संगतां गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दे नाल साईं दास दे नवे घर विच पहुंच गईयां। हजारां संगतां दी भीड़ लग रही है, कपड़े वाले पखियां नाल संगत सेवा कर रही है, पखा चल के इधर बड़ी देर हो गई। भाई कंठा घर बैठे, गुरु साहिब आए नहीं, मन तड़फदे, ऐसी तड़प उठी, भाई कंठा कहन लगा, चल मना उठ के आप ही चल, किधरे ए ना होवे कि तू इत्थे बैठा ही रह जावे ते सतगुरु जी वापस चले जान। भाई कंठा उठिया, हौली हौली तुरन लगा, पर अपने आप नूं कहंदे, ओए कंठिया, ओए चले गुरु दे दर्शना वास्ते, ते पैरां विच जुत्ती पाई है, जोड़ा पाया, पैरां विचों जुत्ती ला दित्ती, पर तुरन तो पहला एक अरदास जरूर कीती, ऐ गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह, तुसी किथे बैठे हो मैनू नहीं पता, केड़ा राह तुहाडे दरबार नूं जांदा ए वी नहीं पता, तुहाडा नां लै के तुहानू अपना आप भेट करके तुर पिया, हुण तुसी जाणो ते तुहाडा कम। आखो सतनाम श्री। सत संगत, अरदास दे नाल दो शब्द होर याद रखो, पहला विश्वास, दूजी आस, ते तीजी अरदास।
प्यारियों जदों भी तुसी अरदास करो ते तुहानू ए विश्वास होना चाहिए कि मेरी अरदास गुरु सुनेगा। अरदास करन तो बाद आस रखो कि मेरी कीती हुई अरदास नू भाग जरूर लगणगे। इधर भाई कंठा नंगे पैर सड़दी हुई जमीन शिखर तो पैर विच छेवें पातशाह दे दर्शना वास्ते तुरिया जांदे। कुछ दूर गया समझ ना आई केरे पासे जावा कड़कदी धुप विच थले जमीन ते ही बह गया। पर दूसरे पासे संगता हैरान हो गईया। संगता ने की नजारा तकिया कि गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सिंघासन ते विराजमान ने और गुरु साहब जी बैठे बैठे अपने पावन हथां दे नाल अपने चरणा नू इस तरह मल रहे ने जिवें पैरां नू बड़ा सेक लग रहे है और महाराज जी दे बस्तर भी परसीने नाल गिले ने। संगत बड़ी हैरान कि असी भी सारे बैठे हाँ पखे चले जा रहे ने सानू परसीना नहीं आ रहा पर गुरु साहब नू इतना परसीना क्यों आ रहे है। और अचानक छेवें पातशाह सिंघासन तो उठ पए चरणा विच जोड़ा पाया और वाहो वाही उस पासे चल पए जिथे भाई कंठा बैठे। पिछे पिछे संगतां भी चल पईयां। संगतां ने की नजारा तकिया कि सड़दी हुई जमीन कड़कदी धुप पै रही है ते भाई कंठा जमीन ते चौंकड़ा मार के बैठे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज कोल जाके खड़े हो गए। सतगुरां ने चरणा विच जोड़ा ता पाया पर फिर भी इस तरह पैर रख रहे ने चुक रहे ने जिवें कोई नंगे पैर गर्म धरती ते खलोवे ते खलोया नहीं जांदा। शरीर तप रहे है चेहरे ते मुस्कुराहट है ते आवाज मारदे ने ओ कंठिया ओ बेटा तू याद करदा सी असी आ गए आ। गुरु साहब दी आवाज कन्ना विच पई भाई कंठा उठिया ते हाथ जोड़ के खलो गया। अखां विच अथरू आ गए। एक मेरे जेहे निमाणे सेवक वास्ते अरशां दे मालक आप चल के आए ने। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज बड़े प्यार नाल भाई कंठे वल देखदे ने ते कहंदे ने बेटा मंग की चाहीदे क्यों मैनू याद कीता। ता सत संगत भाई कंठा कहन लगा दाता बचपन तो अन्ना कुछ देखिया नहीं ना कुछ देखे है ते ना देखण दी इच्छा है पर सतगुरु मैं लोगों को सुने है तुहाडे चेहरे ते बड़ा नूर है तुहाडियां अखां विच्चों अमृत वरसदे तुसी जिहदे वल प्यार नाल तकदे हो उहदा जन्म मरन सवर जांदे ऐ दाता एक इच्छा है जे कुछ चिर वास्ते तुसी मैनू अखां दी रोशनी दे दवो ता मैं तुहाडा ओह चेहरा वेख लवां जिहदे विच्चों अमृत वरसदे। इन्ना प्यार जदों देखिया ता गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज रहमत दे घर विच आए ते कहन लगे जा कंठिया गुरु नानक ने तेरे ते मेहर कीती। सत संगत महाराज ने मुख चों बचन निकलण दी देर सी कि भाई कंठे दियां अखां विच रोशनी आ गई। पता नहीं कितना चिर गुरु दा चेहरा तकदा रहा ते ख्याल आया भाई कंठा अपने आप नू कहंदे होए कंठिया चेहरा ते वेख ले हुण गुरु साहिबां दे चरणां ते मथा भी टेक ले। पर जद महाराज दे चरणां वल ध्यान गया कदी पैर रख रहे ने कदी चुक रहे ने ते भाई कंठा कहन लगा दाता मैं नंगे पैर सड़दी हुई जमीन ते खलोता मैनू सेक नहीं लग रहा तुसी चरणा विच जोड़ा भी पाया ता भी कदी पैर रखदे हो कदी चुकदे हो तुहाडे सारे कपड़े परसीने नाल गिले ने पर मेरे कपड़े सुके ने। जिस वेले भाई कंठे ने यह गल कही ते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज मुस्कुरा पए बड़े प्यार नाल कहन लगे ओए कंठिया ओए तैनू याद है जदों तू घरों तुरन लगा सी ते की अरदास कीती सी।
तू क्या सी दाता तेरा ना लेके तेनू अपना आप भेट करके तुर पिया हुण तुसी जानो ते तुहाडा काम बेटा जद तू अपना आप मैनू भेट कर दिता फिर तेरी रखिया ते करनी सी ना ओ जिन्ना दुख तू सहना सी ओ तेरा सारा दुख असा अपने ते ले लिया तेनू दुख नहीं होन दिता जदों तू पहला कदम करो बार रखिया सी मैं ते उदों ही तेरे नाल तुर पिया सा। जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब ने ए गल कही ते पाई कंठा दौड़ के दरखत दी छां थले होया गुरु साहब भी कोल आए कह लगे कंठिया अज गुरु नानक तेरे ते दयाल है कुछ होर मंग लै ते सत संगत जो भाई कंठे ने मंगिया असी ते सोच भी नहीं सकते कह लगा दाता जे दयालो तुठे हो ये जड़िया अखा मैनू दितिया ने ये अखा दी रोशनी हुण तुसी वापस ले लो कुछ नहीं सी देखिया तुहानू देखण दी इच्छा सी तुहाडी सूरत अपनिया अखा विच वसा लई हुण कुछ होर वेखण नूं जी नहीं करदा सतगुर कहन लगे कंठिया पिता खुशी दे के फिर वापस नहीं लिया करदा ई नहीं हो सकदा कुछ होर मंग लै ते सत संगत जो भाई कंठे ने मंगिया कमाल कर दित्ती कहन लगा दाता तुसी मिले जीवन दी सदर पूरी हो गई हुण एक कृपा होर कर दियो मेरे सिर ते अपना मेर भरिया हथ रख दियो ताकि ये जीवन यात्रा सफल हो जाए लोक परलोक सफल हो जाए। भाई कंठे दा इन्ना प्रेम देख के गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज रहमत दे घर विच आए सत संगत एक बारी प्यार नाल आखो सतनाम श्री महाराज रहमत दे घर विच आए ते कहन लगे जा सिखा गुरु नानक तेरे ते निहाल ओ तेरा लोक भी सुखी होया तेरा परलोक भी सुहेला होया इतिहास कहिंदे कि गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे चरणा ते मत्था टेक के भाई कंठे ने अपने प्राण त्याग दिते सत संगत एक बेनती कर दईए एक खिन जपिया होया भी तुहाडा कदी व्यर्थ नहीं जाना जे कोई पांच मिनट भी हर रोज वाहिगुरु का सिमरन करे ता ओ परलोक लई अपने वास्ते बहुत नाम दा धन इकट्ठा कर सकदा है इस करके जिन्ना हो सके वध तो वध सिमरन करो क्योंकि कई वारी की हुंदा है जदों बंदा कट्ठे करदा है उदों पता नहीं लगदा ते जदों मुसीबत पैंदी है फिर कहिंदे चार पैसे जोड़े सन ओ कम आ गए प्यारे अज नहीं पता लगेगा जिहड़ा घड़ी दा सिमरिया है पता उदों लगना है जदों शरीर ने साथ छड्डना है क्योंकि कीता होया सिमरन इत्थे भी साथ देंदा है ते जदों शरीर विच्चों जिंद निकल जांदी है ते तुहाडी पढ़ी हुई बाणी उस जिंद नाल भी जांदी है जिथे शरीर भी नहीं जांदा आखो सतनाम श्री